हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे वीएन ऐप में किसी वीडियो को एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आप वीएन ऐप को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है प्लस आइकन, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए और आपको जिस भी वीडियो को एडिट करना है आप उस वीडियोज़ को यहाँ पर ऐसे टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, वो वीडियोज़ आ जाएगा। अब आप इस वीडियोस में सब एग्जांपल्स के लिए आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो आपको टेक्स्ट कहाँ पर ऐड करना है, आप जस्ट वीडियोस को ऐसे स्क्रॉल कर लोगे आगे। सपोज़ आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पर पहले वीडियोस का ये इस तरह से लेके आ जाओगे और फिर यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है टी, आप यहाँ पर टी पर क्लिक करोगे टेक्स्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पर टेक्स्ट में जो भी चाहिए हेडिंग या सब हेडिंग उस पर क्लिक कर दोगे और आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए वो टाइप कर दोगे। एग्जांपल्स के लिए हमें यहाँ पर डालना है, ओके तो यहाँ पर आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो जैसा आपको कलर चाहिए, या उसका साइज में कुछ आगे पीछे करना, आप साइज ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके इस तरह से फिर आपको डन कर देना है। ओके तो ये जो आपका है यहाँ पर आपका टेक्स्ट ऐड हो गया है, आप इसको आप प्ले करके देख सकते हो। स्टार्टिंग में इस साइड में आपको क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करिए तो जहाँ पर हमने ऐड किया है वो वहाँ पर ही आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट ऐड हो गया। आप अगर आप इस टेक्स्ट को थोड़ा और आगे तक रखना चाहते हो आप इसको जस्ट ऐसे दबा के रखिए और उसको जस्ट ड्रैग करना है, ये देखिए है ना, जहाँ तक आपको रखना वहाँ तक आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो। सो इस तरह से हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा कैसे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ओके इस तरह से ही आप अगर आपको इमेजेस ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप इमेजेस ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, ओके आप यहाँ पर इमेजेस कुछ ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर इमेज का जो दिख रहा है प्लस वाला यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप वीडियोस फोटोज़ पे क्लिक कर दीजिए और फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सपोज़ आपको ये वाला फ़ोटो ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, इस तरह से देखो वो आपके लेयर्स में फ़ोटोज़ भी आ गया। ये कहाँ पर आएगा, इस लेयर पे जहाँ पर हमने रखा हुआ है। ओके तो ये टेक्स्ट ख़त्म होने के बाद अगर जस्ट चाहिए तो आप इसको भी से क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा आपको। ओके तो देखिए यहाँ तक आ गया, आप इसे आगे तक भी ड्रैग कर सकते हो अगर आपको आगे तक रखना हो। ओके ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा अंदर कर देते हैं हम, हाँ अभी प्रॉपर हो गया। तो अब इसको कुछ इफेक्ट देना है तो आप यहाँ पर इफेक्ट भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर एफेक्ट्स दिख रहा है आपको,